हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेकर आपके लिए आई हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में फ्रेंड्स टंकी का जो पानी है बिल्कुल गर्म हो जाता है, और इस वजह से अगर हमको पानी का कोई भी काम करना होता है, चाहे अपने फेस को धोना, हाथ धोना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म लगता है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताऊँगी जिसका यूज करके आप अपने टंकी के पानी को गर्म होने से बचा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है, सस्ता भी है फ्रेंड्स। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं वो 4 टिप्स क्या हैं। तो फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स कि आपको अपने पानी की टंकी को थर्मोकोल की सीट से कवर कर देना, यानी कि ढक देना है। तो फ्रेंड्स, थर्मोकोल की सीट आती है तो आपको ज़्यादा मोटी वाली सीट नहीं लेनी है और ज़्यादा पतली वाली भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की, जो करीब 1/2 इंच की होती है मोटाई में, उस टाइप की आपको थर्मोकोल की सीट लेनी है। और उससे आपको अपने पानी की टंकी को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर देना है, ढक देना है, और फिर से टंकी का जो ढक्कन है उसको भी गोल शेप में नाप कर कट करके थर्मोकोल को, और फिर नाप कर इसे आपको उस पर चिपका के उसको भी कवर कर देना है, ढक्कन को भी। और इतना करने के बाद आपको प्लास्टिक के रस्सी से बांध देना है, ताकि हवा अगर चले, हवा आए, तो जो सीट है थर्मोकोल की उड़े नहीं। इससे फ्रेंड्स आपकी जो टंकी का पानी होगा वो गर्म नहीं होगा और बिल्कुल ही ठंडा ठंडा रहेगा। आपको जो पाइप में पानी होगा वो थोड़ा गर्म लगेगा, क्योंकि पानी जब स्टार्ट होती है तो पाइप तो प्लास्टिक का होता है तो गर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही पानी आने लगेगी तो ठंडा पानी देना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड टिप्स है फ्रेंड्स कि आपको अपने पानी की टंकी को अच्छे से मेज़र कर लेना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई को अच्छे से नाप लेना है, और उससे 4 इंच एक्स्ट्रा आपको 4 इंच ज़्यादा एल्युमिनियम की जो चादर आती है उसको ले लेना है, वो भी सस्ता आपको मिल जाएगा। और उसको लेने के बाद आपको अपने पानी की टंकी को पूरे अच्छे से कवर करना है, ढकना है, और स्क्रू के हेल्प से उससे जोड़ जोड़ देना है, और सेम वैसे ही चारों तरफ से ढककर, और ढक्कन पे भी, पानी की टंकी के ढक्कन पे भी राउंड शेप में गोलाकार में काट कर उसको भी स्क्रू के हेल्प से सेट कर देना है। इससे भी आपका जो टंकी का पानी है वो बिल्कुल ही ठंडा ठंडा आएगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम की चादर है वो टंकी को गर्म होने से बचाएगा। थर्ड टिप्स जो कि बहुत ही सस्ता है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जूट की बोरियाँ आती हैं, जो कि जिसमें आपको चावल या गेहूँ या धान जो है उस बोरी में आती है, जूट के बोरी में। उसको अगर आपके घर पे हो तो घर से यूज कर सकते हैं, या आप मंगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता मिल जाती है। उस जूट के बोरे से आपको टंकी को पूरे चारों तरफ से कवर करना है अच्छे तरीके से, और सेम प्रोसेस से आपको टंकी के ढक्कन को भी कवर कर देना है, और उसके बाद प्लास्टिक के रस्सी से अच्छे से बांध देना है, ताकि हवा आने पर भी ये उड़े नहीं और बिल्कुल सेफ रहेगा। और उसके बाद ऊपर से आपको पानी से पूरे टंकी के चारों तरफ जो जूट की बोरी हम बांधे रहेंगे उसको पानी से भिगो देना है। इससे आपका जो टंकी का पानी है बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा फ्रेंड्स। और जैसे ही जूट की बोरी सूख जाए उसको आपको पानी से फिर से भिगो देना है, ताकि आपका जो टंकी का पानी है वो बिल्कुल ही ठंडा ठंडा रहे, गर्म नहीं होगा। फोर्थ और लास्ट टिप्स जो है फ्रेंड्स काफ़ी इफेक्टिव है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टंकी का पानी है हमेशा बिल्कुल ही ठंडा रहे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने टंकी को थर्मोकोल सीट से कवर करना है, और उसके बाद से जूट के बोरिए से कवर करके अच्छे से ढक देना है, और उसके बाद आपको प्लास्टिक की रस्सी से बांध देना है, ताकि सेफ हो जाए। और इस ट्रिक से फ्रेंड्स आपकी टंकी का पानी हमेशा ठंडा ठंडा रहेगा, गर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इस चारों टिप्स में से कोई भी एक टिप्स ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो थोड़ी भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।